29 जून 1978 की तारीख मध्य प्रदेश सरकार का एक प्लेन काठमांडू एयरपोर्ट पर उतरा। किसी राज्य सरकार के विमान का विदेशी एयरपोर्ट पर लैंड होना आम बात नहीं थी, क्योंकि नियमों के मुताबिक राज्य सरकार के विमान भारत की सीमा के बाहर नहीं ले जाए जा सकते, गैर सरकारी कामों के लिए तो कतई नहीं। खैर, उस प्लेन में सवार था एक मुख्यमंत्री जिसने अपने संपर्क भिड़ाकर सिक्योरिटी चेक से बचने की खास परमिशन ली थी। नतीजा ये कि न तो भारत के और न ही नेपाल के सीमा शुल्क विभाग ने उस प्लेन और उसमें बैठे लोगों की जांच की। कहते हैं कि मुख्यमंत्री साहब जब एयरपोर्ट पर उतरे तो उनके हाथ में थी दो अटैचियां, उनमें क्या था कोई नहीं जानता। बातें चली कि उनमें रुपया था जो नेपाल के किसी बैंक में जमा किया गया। फिर किसी ने कहा कि सोना था। मजाक भी चला कि सोना नहीं काला सोना था। काला सोना क्यों? क्योंकि ये सीएम साहब आते थे मंदसौर से। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज मुख्यमंत्री, जिसके इस एपिसोड में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वीरेंद्र कुमार सखलेचा की। मध्य प्रदेश के जिस मंदसौर में अफीम यानी काले सोने की खेती होती है, वहीं की जावत तहसील में 1930 के साल में सखलेचा का जन्म हुआ। कारोबारी परिवार में पिता आर्य समाज से जुड़े थे और वीरेंद्र जुड़े राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। ग्रेजुएशन के लिए वीरेंद्र बीएचयू गए। यहाँ एक रोज उनका एक लड़के से झगड़ा हुआ। वीरेंद्र ने उसे चाकू मारा। जख्म गहरा था, छात्र मर गया। लेकिन वीरेंद्र के वकीलों ने हाईकोर्ट में साबित कर दिया कि उन्होंने आत्मरक्षा में छुरा चलाया। इसके बाद सखलेचा ने लॉ की डिग्री हासिल की, कुछ बरस प्रैक्टिस की। उधर संघ का साथ तो लगातार था ही, लेकिन अब बारी जनसंघ के साथ की आ चुकी थी। ये 50 का दशक था। कुशाभाऊ ठाकरे पैदल घूम घूम कर पूरे सूबे में जनसंघ की पौध रोप रहे थे। फोकस था मध्य भारत पर, जहां संघ ने अपने शुरुआती दिनों में काम शुरू कर दिया था। जल्द ही सखलेचा पर कुशाभाऊ ठाकरे की नजर पड़ गई। सखलेचा एकदम वैसे थे जैसे लोग कुशाभाऊ जनसंघ खड़ा करने के लिए ढूंढ रहे थे, तेजतर्रार और संगठन की विचारधारा के प्रति समर्पित। तो 1957 के विधानसभा चुनाव में सखलेचा जनसंघ के टिकट पर विधानसभा पहुंच गए। 1962 के चुनाव में जनसंघ ने 288 सीटों वाली विधानसभा में 41 विधायक पहुंचा दिए अपने, यानी नेता प्रतिपक्ष का पद पार्टी के पास। और ये पहली बार हुआ था कि मध्य प्रदेश में किसी विपक्षी दल को 10% से ज्यादा सीटें मिली हों और इस हिसाब से आधिकारिक रूप से नेता प्रतिपक्ष का पद भी। पद गया सखलेचा को, कहना ना होगा कि कुशाभाऊ के आशीर्वाद से। इस विधानसभा को जनसंघ एक और वजह से याद रखता है। उसके दो विधायकों की विधायकी गई थी सदन में उनके व्यवहार के चलते। बात है 16 मार्च 1966 की। सदन में गर्मा गर्म बहस हो रही थी, ये और गर्म हुई, हिंसक हो गई। जनसंघ के विधायक यशवंत राव मेघावाले ने छीना झपटी और तोड़फोड़ की। इसी कोलाहल में धमतरी से जनसंघ के विधायक पंढरी राव दत्त ने अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे उपाध्यक्ष नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव पर जूता उछाल दिया। पूरा सदन सन्न रह गया। मुख्यमंत्री डीपी मिश्र ये मौका नहीं चूके। उन्होंने प्रस्ताव लाकर मेघावाले और दत्त की सदस्यता समाप्त करवा दी। अब जनसंघ विधायकों में डर बैठ गया, लेकिन सखलेचा फिर भी पार्टी का पक्ष दृढ़ता से रखते रहे। ১৯৬৭ में विजय राजे सिंधिया ने गोविंद नारायण सिंह के साथ मिलकर डीपी मिश्र की सरकार गिरा दी। इनके साथ आकर मिला जनसंघ। गोविंद नारायण सीएम बने और जनसंघ कोटे से उप मुख्यमंत्री बने सखलेचा। ये सरकार 20 महीने चली। फिर 1972 के चुनाव में सखलेचा कांग्रेस प्रत्याशी से विधायकी हार गए। जनसंघ ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। फिर इमरजेंसी लगी और उन्हें भी मीसा के तहत जेल में डाल दिया गया।
लेकिन सखलेचा ज्यादातर वक्त पैरोल पर बाहर रहे। लोगों ने कहा मुख्यमंत्री श्यामाचरण की कृपा है। ये भी कहा कि अब सखलेचा भी कांग्रेसी हो जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। कुशाभाऊ का चेला जनसंघ में बना रहा। जनता पार्टी की मुरारजी सरकार आने के बाद मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव हुए। जनता पार्टी यहां भी बहुमत पाने में सफल हुई। सबसे ज्यादा विधायक जीते जनसंघ गुट के। ठाकरे ने मुख्यमंत्री के लिए सखलेचा का नाम आगे बढ़ाया, मगर समाजवादी गुट ने वीटो कर दिया। फिर कैलाश जोशी सीएम बने। ये सब बातें विस्तार से आप जोशी वाले एपिसोड में जान चुके हैं। जोशी मुख्यमंत्री बने और सखलेचा उनकी मंत्रिपरिषद में उद्योग और खनिज समेत 7 और विभागों के मंत्री। मंत्री जी जल्द ही दूसरे विभागों में भी दखल देने लगे। मुख्यमंत्री के विभागों में भी, मसलन सूचना और प्रकाशन विभाग में, जो अखबारों में मुख्यमंत्री के लिए माहौल बनाने का काम करता है। सखलेचा के इन कामों को दो तरह से लिया जाता। कुछ कहते कि मंत्री जी की सक्रियता बहुत है और कुछ कहते कि मंत्री जी को मुख्यमंत्री बनने की जल्दी है। वीरेंद्र सखलेचा मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। बातें चली कि सखलेचा ने जोशी के खिलाफ शीत युद्ध छेड़ रखा है और इस युद्ध को जीतने के लिए सखलेचा को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, बस 6 महीने और 25 दिन। कैलाश जोशी को सेहत के चलते पद छोड़ना पड़ा। फिर हुई मध्य प्रदेश में जनता पार्टी विधायक दल की मीटिंग। अचानक एक दावेदार और सामने आ गए, कैलाश सोनकर। पर सखलेचा जनसंघ विधायकों के दम पर आसानी से जीत गए। एक दावेदार और था, जनसंघ धड़े का ही, सखलेचा के जिले का ही, सुंदरलाल पटवा। मगर उस वक्त वो चुप रहा। January 18, 1978 को सखलेचा मुख्यमंत्री बन गए और फिर शुरू हुई सरकारी मशीन की सुस्ती दूर करने की कवायद। सखलेचा ने प्रदेश की 15,000 पंचायतों में एक साथ चुनाव करवाए। पूरे सूबे में ग्रामीण सचिवालय खुलवाए। इसमें एक ही छत के नीचे पटवारी, ग्राम सेवक, सहकारी संस्था का समिति सेवक और पंचायत सचिव बैठते थे। इससे किसानों का भटकना कम हुआ। फिर सखलेचा ने संघ से जुड़े लोगों की सरकारी समितियों में भर्ती शुरू कर दी। इसी का डर जताकर समाजवादी धड़ा एक बार उनके नाम पर वीटो कर चुका था, लेकिन अब उनके पास कैलाश जोशी नाम का पत्ता खर्चने को था ही नहीं। उन्होंने अटल के जरिए दबाव बनाया तो वाजपेयी ने सखलेचा को मंत्र दिया, होशियारी से निपटाओ। सखलेचा ने अपने पास ऐसे सब विभाग कर लिए जिनमें बड़ा बजट था। आलम यह कि राज्य के बजट का 60% सखलेचा के अधीन आ गया और फिर वो आराम से अपनी योजनाओं को लागू करते रहे। भर्ती सिर्फ समितियों में ही नहीं हो रही थी संघ वालों की, कहा गया कि नौकरियों में भी उन्हें सीधा दाखिला मिला। 100 दरोगाओं की एक लिस्ट अखबारों में निकली। कहा गया ये सब संघ के स्वयंसेवक हैं और इसीलिए इन्हें ये सरकारी नौकरी मिली है। 1988 में जब श्यामाचरण तीसरी बार मुख्यमंत्री बने तो इस मामले की जांच हुई और कई लोगों की नियुक्ति खारिज हुई। भोपाल के जिस सर्किट हाउस से सखलेचा का राजपाट चलता था वो एक विशाल इमारत थी, लेकिन सखलेचा बैठते एक अंधेरी कोठरी में। पूरे कमरे में फाइलों का अंबार, और फाइलें कौन सी? सूबे के नेताओं पर पुलिस की खुफिया शाखा की तैयार किए डॉजियर्स, जो वो खुद पुलिस मुख्यालय जाकर लाए थे। मगर काठमांडू में प्लेन लैंड की बात, जिससे इस किस्से की शुरुआत हुई थी, खुफिया नहीं रह सकी। विपक्ष विधानसभा में शोर मचाने लगा, सखलेचा की सफाई। मैं तो सिक्किम जा रहा था छुट्टी मनाने, वहां मौसम खराब था तो प्लेन लेकर काठमांडू चला गया। केंद्र में मुरार जी की सरकार थी तो सखलेचा किसी तरह बच गए, लेकिन फौरी तौर पर ही जल्द ही उनके करप्शन के किस्से दिल्ली में गूंजने वाले थे। और दिल्ली इसलिए नहीं क्योंकि यहां केंद्र था, इसलिए क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA की एक जमीन के लिए सखलेचा के एक बेटे ने बोली लगाई थी 1.33 करोड़ की January 1979 में। हालांकि बाद में ये जमीन और बड़ी बोली लगाने वाले को मिल गई। बोली के वक्त ओम प्रकाश की उम्र 20 साल, तो नजर उठी उनके पिता यानी मुख्यमंत्री पर। फिर खबरें आई कि उनकी पत्नी चेतन देवी के
भोपाल की प्रोफेसर कॉलोनी में खरीदे गए मकान में कुछ गड़बड़ है। चेतन देवी ने इस खरीद के बाद जो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया था उसमें पति की जगह पिता का नाम लिखा था। इनकम टैक्स वालों ने और भी कुछ तकनीकी खामियां खोज ली। बाकायदा चेतन देवी पत्नी वीरेंद्र सखलेचा इस नाम की मुनादी पीटी गई। कहा जाता है कि जनता पार्टी का दिल्ली में बैठा एक धड़ा सखलेचा को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए इनकम टैक्स वालों ने ऐसी तत्परता दिखाई। इतना सब होने के बाद सखलेचा को लेकर जनता पार्टी की खूब लानत मलानत होने लगी, विधानसभा में भी और अखबारों में भी। सखलेचा ने सीएम रहते कांग्रेस के करीबी माने जाने वाले अखबारों के सरकारी विज्ञापन बुरी तरह कम कर दिए थे, इतने कम कि कई अखबारों के कई संस्करण बंद से हो गए थे। अब अखबारों की हिसाब चुकता करने की बारी थी। सखलेचा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की बड़े पैमाने पर रिपोर्टिंग होने लगी। कोर्ट के चक्कर काट काट के सखलेचा थकने लगे, डूबने लगे, और जब डूबने लगे तो साथ वालों ने भी दूरी बना ली। उनकी अपनी ही पार्टी में विरोधी कम नहीं थे। एक तरफ पिछली लड़ाई हारे कैलाश जोशी, दूसरी तरफ सुंदरलाल पटवा, जिन्हें सखलेचा के चलते अब तक हाशिए पर रखा गया था। दोनों ने ही सखलेचा को गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। संघ का धीरज टूटने लगा। सखलेचा ने कुशाभाऊ ठाकरे की तरफ देखा, लेकिन अब वो सुंदरलाल पटवा के पीछे खड़े थे। 3 मई 1979 को मध्य प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सखलेचा पर लगे भ्रष्टाचार के इल्जामों की बाकायदा जांच हुई। उपसभापति पर जूता तक उछालने वालों के लिए बोलने वाले सखलेचा के बचाव में जनसंघ का कोई भी बड़ा नेता या विधायक खड़ा नहीं हुआ। अब सखलेचा पर इस्तीफा देने का दबाव बहुत ज्यादा हो चुका था। उधर केंद्र में जनता पार्टी की सरकार भी आपस में झांव-झांव कर रही थी। जुलाई 1979 को देसाई की छुट्टी हो गई, चरण सिंह भी आए और गए, जनता पार्टी का विघटन हो गया, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई, सखलेचा के सर अब कोई हाथ नहीं बचा। और ऐसे में 19 जनवरी 1980 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सखलेचा के इस्तीफा देने के अगले ही दिन उनके धुर विरोधी सुंदरलाल पटवा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। 29 दिन बाद केंद्र में वापस लौटी इंदिरा गांधी ने मध्य प्रदेश में पटवा सरकार को बर्खास्त कर दिया। चुनाव हुए और कांग्रेस के अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री बने, नेता प्रतिपक्ष बने पटवा। सखलेचा ने खुलेआम उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया। कहते थे कि पटवा कांग्रेस के साथ काफी नरम है। पटवा के लिए ये वार बिलो द बेल्ट था। उन्हें वैसे ही अर्जुन सिंह की कैबिनेट का 40वां मंत्री कहा जाता था। पटवा और सखलेचा की लड़ाई नई नहीं थी, दोनों ही कुशाभाऊ ठाकरे की खोज थे, दोनों ही मंदसौर से आते थे, दोनों ही जैन परिवारों से ताल्लुक रखते थे। सखलेचा की तरह पटवा भी बहुत कम उम्र से ही संघ में आ गए थे, वो भी संघ के प्रचारक रहे थे। जब तक सखलेचा सीएम रहे, पटवा अंदर ही अंदर सखलेचा की जड़ें काटने में लगे रहे। ये पुरानी दुश्मनी ही थी कि सखलेचा खुलेआम पटवा के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, और इन सब के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी, जो जनसंघ का नया संस्करण था, उसकी किरकिरी हो रही थी। आज जाकर अगस्त 1984 में सखलेचा को भाजपा से निकाल दिया गया। भाजपा से निकले सखलेचा ने एक नई पार्टी बनाई, जनता पार्टी का ऐसा मोह कि इस पार्टी का नाम रखा मध्य प्रदेश जनता पार्टी। 1985 का चुनाव हुआ तो अपनी पार्टी के अकेले कैंडिडेट के तौर पर लड़े और हारे। ऐसा नहीं कि सिर्फ सखलेचा हारे थे, भाजपा भी पूरे देश में बुरी तरह हारी थी, सिर्फ 2 सीटें मिली थी। खैर, सखलेचा की कहानी आगे बढ़ाते हैं। सखलेचा काफी वक्त तक गुमनाम रहे इस हार के बाद, कोर्ट में केस लड़ते रहे। 1990 में बीजेपी ने उन्हें वापस पार्टी में ले लिया, मगर शर्त रखी कि उनको कोई पद नहीं दिया जाएगा। सखलेचा शायद बेटे के भविष्य की सोचकर शर्त मान गए, मगर बेटे को भी जब चुनाव में टिकट नहीं मिला तो उनका धैर्य टूट गया। मध्य प्रदेश बीजेपी में पार्टी अध्यक्ष चुना जाना था। बीजेपी लखीराम अग्रवाल को पार्टी चीफ बनाना चाहती थी, मगर बेटे की अनदेखी से नाराज सखलेचा लखीराम के खिलाफ खड़े हो गए। जो और विरोधी थे, आलाकमान से नाराज थे, वो सखलेचा के पीछे हो गए, और इसी के चलते सखलेचा को मिल गए 68 वोट, लेकिन लखीराम को 123 वोट मिले और वो प्रदेश अध्यक्ष हो गए।
जून 1996 में सखलेचा आखिरी बार सुर्खियों में आए जब उन्होंने सतना से सिटिंग एमपी कांग्रेस के बागी तिवारी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अर्जुन सिंह के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा बीजेपी के टिकट पर। लेकिन न सखलेचा जीते न अर्जुन। उस साल बसपा का एक उम्मीदवार 1996 की सतना सीट से विजेता घोषित किया गया। 1999 जब वीरेंद्र सखलेचा की मौत की खबर आई तब तक वो चर्चा से सुर्खियों से लोगों के जेहन से बाहर जा चुके थे। मुख्यमंत्री के अगले एपिसोड में कहानी उस बीजेपी नेता की जिसे खुद उसके शब्दों में कहूं तो धोखा देकर सियासत में लाए थे जनसंघ वाले। मुख्यमंत्री लल्लनटॉप के पॉलिटिकल किस्सों की इलेक्शन स्पेशल सीरीज, इस सीरीज के बारे में, इस एपिसोड के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करवाएं। अगर आप YouTube पर यह वीडियो देख रहे हैं और आपको पॉलिटिकल किस्से पसंद हैं तो हमारे चैनल दी लल्लनटॉप को सब्सक्राइब करना न भूलें। Facebook पर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज दी लल्लनटॉप को लाइक करें। और अब तो लल्लनटॉप की एंड्रॉयड ऐप भी आ गई है, इसको डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर में जाकर, क्योंकि यहीं पर सबसे पहले पॉलिटिकल किस्से अपलोड होते हैं। शुक्रिया।